नया ई रिक्शा में आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हों, आपको यह बातें ज़रूर शोरूम वाले से पूछनी है। मैं हूँ सुनील दोस्तों, आप देख रहे हैं मुझे माई इंडियन सुनील चैनल पर। दोस्तों, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और जो लोग नए हैं, प्लीज़ उनसे निवेदन है कि हमारे माई इंडियन सुनील चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम रोज़ाना ऐसी नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों, आप किसी भी ई रिक्शा के शोरूम में जाते हैं तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए। एक नंबर, सबसे पहला जो मुख्य बात है वह बैटरी कितने एएच की बैटरी उसमें लगी है। आपको ध्यान रहे कि उस ई रिक्शा में आपको 140 एएच की बैटरी लगी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 40 एएच की बैटरी अच्छी रहती है। अगर वह आपको 120 या फिर 130 एएच की बैटरी देता तो आप नहीं लें। आप उनसे कहें कि मुझे 140 एएच की बैटरी चाहिए। और दूसरा नंबर, इसके नीचे देख सकते हैं यहाँ पे मोटर लगा होता है। ये आपको सबसे पहले शोरूम वाले से पूछना है कि ये कितने वाट का इसके अंदर मोटर लगा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि आपको 1000 वाट वाला ही मोटर लेना है। अगर वह शोरूम वाला कहता है कि 800 वाला तो आप ना लें, इसमें 1000 वाट का ही मोटर अच्छा रहता है। ये थी दूसरी बात। और तीसरी बात यह है, आप यह देखें कि जो ई रिक्शे का जो टायर है वह कौन सा टायर है। तो ये ध्यान देना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ई रिक्शा में जो टायर हैं वह पतले वाले आते हैं, यानी कि 90-90-12 नंबर होता है, तो वह आप ना लें। आपको ये मोटा वाला जो टायर है इसमें जो नंबर है 3-75-12, ये आप ज़रूर लें। उस शोरूम वाले से कहें कि मुझे 3-75-12 वाला ही ई रिक्शा का जो टायर है वह चाहिए। ज़रा पास से कैमरे से दिखाइए, देखिए यहाँ पे 3-75-12 का ये नंबर दिया गया है। यह देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, इससे ई रिक्शे की हाइट थोड़ी बढ़ जाती है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और चौथा जो बात यह है कि ई रिक्शे का जो ये आगे वाला ये शीशे वाला जो ये हैंडल होता है स्टैंड, इसे आप हमेशा देखें सामने, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाता है। जैसे यहाँ पे यह अभी हल्का लगाया हुआ है, यह जल्दी टूट जाता है। इस कारण आपको देख के लेना है कि यह ज़्यादा मोटा हो और मजबूती हो, यह आप चेक कर लें। और जो पांचवा बात है, पांचवा बात आपको यह ध्यान देना है कि जो ई रिक्शे की जो सीट होती है यह गद्देदार होनी चाहिए। इससे सवारियों को आराम मिलता है। कहीं भी आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों में जाते हैं तो आपके यात्रियों को काफ़ी सुविधाजनक और आराम मिलता है। तो दोस्तों, यह पांच बातें आपको ध्यान देना चाहिए ई रिक्शा खरीदते हैं तो। नया ई रिक्शा में आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हों, आपको यह बातें ज़रूर शोरूम वाले से पूछनी है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे शोरूम में ई रिक्शा खरीदेंगे। यह पांच बातें ज़रूर आप पूछें और इस तरीके से आप अच्छा एक ई रिक्शा खरीद पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे माई इंडियन सुनील चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम रोज़ाना ऐसी नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं दोस्तों। और क्या कहना है दोस्तों इस वीडियो के बारे में, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।